हेलो फ्रेंड्स, मैं पिन कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आज हम फोटोशॉप के टूल के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा टेक्स्ट टूल। ठीक है, देखिए ये टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल के अंदर आपको चार टूल मिलेंगे। एक हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल है, वर्टिकल टाइप मास्क टूल है। ये चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो ऊपर के जो दो टूल है, ये दोनों टूल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर यही दोनों टूल का यूज होता है फोटोशॉप में। और ये नीचे का जो मास्क टूल है, इसका यूज ना के बराबर ही होता है। ठीक है, ये ऊपर वाले टूल को ही अच्छे से यहाँ पर समझना है। मैं ये नीचे वाले टूल को भी बता दूंगा कि इसका क्या काम होता है, किस तरीके से ये यूज होता है। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि हमारा न्यू अपडेटेड वीडियो जब भी आए वो आपके पास पहुंच जाए। और इसके ऊपर के जो टूल है, इसके ऊपर के जितने भी टूल है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक जो है वीडियो के ऊपर आई बटन पे वहाँ पे दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऊपर फाइल का ऑप्शन है, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और एक कोई सा एक पेज ले लेंगे। ठीक है, मैं ये HDTV का 720 का पेज ले लेता हूँ और यहाँ पर ओके कर देते हैं। इस पेज को हम कर देते हैं फुल स्क्रीन। कीबोर्ड से आपको F प्रेस करना है, फुल स्क्रीन हो जाएगा। ये सब शॉर्टकट मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, तो आप इस चीज़ का यूज जरूर करें। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हम टेक्स्ट टूल यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर ये इसका प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन हो जाता है। देखिए, सबसे पहले मूव टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मूव टूल का प्रॉपर्टी है। जैसे हम टेक्स्ट टूल का यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट टूल का प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाता है। तो ऊपर में क्या क्या है, ये पहला है फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली इसमें बोल सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह का फॉन्ट का स्टाइल आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बगल में इसके अंदर आपको बोल्ड, इटैलिक, नैरो बोल्ड, नैरो इटैलिक, ये सब मिलेंगे आपको। ये सब यूज करके आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बता भी दूंगा कैसे करना है। और ये हो गया टेक्स्ट साइज। ठीक है, ये इसके बगल में जो है ये है टेक्स्ट साइज है, फॉन्ट साइज भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसमें मैक्सिमम जो है 72 तक बड़ा कर सकते हैं इसके द्वारा। उसके बाद और बड़ा करना है तो उसे कैसे करेंगे मैं वीडियो में बताऊंगा, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। उसके बाद यहाँ पर शार्पन, स्क्रीप, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, ये सब का भी यूज करके मैं बताऊंगा। और बाकी जो यहाँ पर है ये सब, ये हो गया लेफ्ट लाइन हो गया, सेंटर टेक्स्ट हो गया, ये राइट लाइन टेक्स्ट हो गया, ये सब। और ये जो है कलर, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ से हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा कर्सर ब्लिंक होने लगा। ठीक है, तो हमें अब क्या क्या चेंजेस करना है पहले कर लेंगे, बाद में करना चाहते हैं तो बाद में करेंगे। उसे कैसे करेंगे उसके लिए भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। तो अगर पहले हम कुछ, जैसे हमारा कोई फॉन्ट है, हमारा कोई पसंदीदा फॉन्ट है, तो वो फॉन्ट यहाँ से आप लीजिएगा। यहाँ से हम एरियल वाला फॉन्ट ले लेते हैं, एरियल वाला फॉन्ट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कैसा रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, रेगुलर जो नॉर्मल होता है वो रखना है। ठीक है, यहाँ से वो सिलेक्शन कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो नहीं करें। यहाँ से आप साइज कर लीजिए, साइज यहाँ अभी 49 है, तो यहाँ से आप जितना रखना चाहते हैं उतना आप यहाँ से रख सकते हैं। हम यहाँ पर साइज कर लेते हैं 30 कर लिए। उसके बाद इसमें भी चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर कलर पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर कलर आ जाएगा। आप जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम ब्लू कलर लेना चाहते हैं, ब्लू कलर सेलेक्ट करिए, ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए कलर सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर जो भी टाइप करना है टाइप कीजिए, मैं अपना चैनल का नाम यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर चैनल का नाम अपना टाइप कर लिया हूँ। अब इतना करने के बाद अगर अब भी कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से आपको क्लिक करके आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है सबको। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर फॉन्ट आपको कोई अलग रखना चाहते हैं तो फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से फॉन्ट चेंज हो रहा है, ये बोल्ड फॉन्ट है तो यहाँ पर रेगुलर का कोई काम नहीं होगा। आप यहाँ पर टेक्स्ट की साइज को चेंज करना चाहते हैं तो 30 है, 36 भी कर सकते हैं, और बढ़ाना चाहते हैं 72 भी कर लेंगे तो इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, शार्पन है, यहाँ शार्पन है, क्रिप्स है, इस तरीके से आप इसे यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नन कर देते हैं। उसके बाद ये हो गया अलाइन हो गया, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो राइट साइड से ही लिखते हैं, तो यहाँ पर भी टेक्स्ट राइट साइड से ही रहने देना है, ये सिलेक्शन करके रखना। कलर अब चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें ब्लू था, इसमें हम रेड करना चाहते हैं तो रेड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बगल में, कलर के बगल में एक ऑप्शन है, ये है क्रिएट ब्रेफ्ट टेक्स्ट। इससे क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे आपको एक इस तरीके से विंडो ओपन होगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसा जैसा आपको दिख रहा है उस तरीके के टेक्स्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर पहला देखिए आर्क है, आर्क वाला सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इस तरीके से आर्क बन जाएगा। अब इस आर्क को आप इसमें देखिए तीन ऑप्शन दिया है, बेंड दिया है, हॉरिजॉन्टल दिया है, वर्टिकल दिया है।
ठीक है। तो अब इस सब चीज़ को आप चेंज करके अपने तरीके से इसे कर सकते हैं। नीचे से इसे आर्क बनाना चाहते हैं तो नीचे से बन जाएगा, अगर इसे माइनस में लिख जाएंगे तो प्लस में लिख जाएंगे तो ऊपर से बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब चेंजेज आप करके देख सकते हैं, इस तरीके से कीजिएगा। आर्क ऊपर से हम कम करते हैं, उसके बाद इधर से कीजिएगा तो एक साइड क्या होगा, ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, एक साइड थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आर्क हो गया, उसके बाद इसी तरह का इसमें और भी है, आर्क लोअर है, आर्क अपर है। तो ये सब चीज़ को आप सिलेक्ट करके और चेंजेस करके आप देख लीजिएगा, आपको जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का आप यहाँ से ले सकते हैं। हम यहाँ से अभी इसे कैंसिल कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब तो ये हो गया सिलेक्शन करके। अब मान लीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कोई से और टूल, तब इसमें सिलेक्शन हट गया या मूव टूल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस जो टेक्स्ट हमारा है, इस टेक्स्ट को हम कहीं भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अब इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब चेंज करना चाहेंगे तो फिर हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा, टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा, फिर इसे सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मूव टूल सेलेक्ट करना और इसका एक ओपन कर लेना है। यहाँ से देखिए, यहाँ विंडो में जाइएगा, विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ करेक्टर और पैराग्राफ के विंडो यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है। अब इसे परमानेंट यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर परमानेंट नीचे में जहाँ पे भी लगा के आप इसे रख सकते हैं। हम यहीं पर अभी बीच में रखते हैं ताकि आपको हम समझा सकें। इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी दिया गया है जो हमारा ऊपर था, वो इसमें भी दिया गया है और उससे एडवांस लेवल का भी इसमें दिया गया है, ठीक है। तो एडवांस लेवल इसमें कौन कौन से है वो हम बता देते हैं। पहला तो ये फॉन्ट स्टाइल है, ये तो मैं बता दिया था। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं जो भी चाहिए। देखिए इस तरीके से चेंज हो गया, तो आपको जैसा फॉन्ट स्टाइल चाहिए वैसा आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का फॉन्ट भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद दूसरा हो गया यहाँ से फॉन्ट साइज, आप यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। 72 से ज़्यादा अगर बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो में आपको एक एक चीज़ बता दूंगा, बने रहें। उसके बाद देखिए यहाँ पर बगल में ये है सेट द लीडिंग। इससे क्या होता है कि दो पैराग्राफ के बीच का जो गैपिंग होता है उसे क्या करता है, एडजस्ट करता है। उसको कैसे करना है, इस टेक्स्ट को सबसे पहले हम दो लाइन में कर लेते हैं, ठीक है। ये एक लाइन में है, दो लाइन लेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, कहीं पर यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पर देखिए इसके नीचे आ गया। अब यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये दोनों लाइन के बीच में है, बहुत कम गैपिंग है, इसीलिए दोनों लाइन का जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, चिपक गया है। अब इसे हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अब बढ़ाएंगे। देखिए 30 किए, 40 किए, देखिए वो बढ़ने लगा, 60 किए, फिर 70 की। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो गया, गैपिंग होने लगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, इस तरीके से ये काम करता है। और उसके बाद इसके नीचे का जो है, उसके नीचे का जो है वो क्या है, टेक्स्ट के, दो टेक्स्ट के बीच की गैपिंग को बढ़ाता है। दो टेक्स्ट मतलब जैसे एम वाई माई हो गया, ये दोनों जो टेक्स्ट है इसके बीच की गैपिंग को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, हम यहाँ से यहाँ 0 है, यहाँ 5 करते हैं, देखिए सभी के गैपिंग को क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। 5 है, उसके बाद यहाँ 10 करते हैं, थोड़ा सा और गैपिंग बढ़ गया, फिर 50 करते हैं। देखिए आपको अब समझ में आ रहा होगा, 70 कर रहे हैं, गैपिंग बढ़ रहा है, तो आप इस तरीके से गैपिंग बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरीके से इतना गैप इसमें हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। अब ये जो दो लाइन में है इसे हम एक लाइन में कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसकी गैपिंग को हम कम कर देते हैं, 200 था तो हम यहाँ 5 पे कर देते हैं। अब इसके नीचे का जो है वर्टिकली स्केल है, फिर हॉरिजॉन्टली स्केल है। वर्टिकली स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल जो है ये क्या करता है, जैसे ये वर्टिकल वाला है, वर्टिकल वाला क्या है, इसकी चौड़ाई को क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। जैसे यहाँ 100% है, यहाँ पर हम करते हैं 200%, 200% की इंटर किए तो इसकी चौड़ाई को देखिए बढ़ा दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला है, ये 100 है, यहाँ पर 200 करते हैं और ओके करते हैं तो इसकी लंबाई को ये बढ़ाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए, जो यहाँ से आप साइज बढ़ा रहे थे, यहाँ से फॉन्ट साइज, आप इस तरीके से भी फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर कलर भी मिल जाएगा, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी कलर लेना चाहते हैं देखिए वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद नीचे भी कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर पहला है बोल्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट, देखिए। उसके बाद दूसरा इटैलिक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। और तीसरा है, इससे क्या होगा, सारे के सारे जो लेटर हैं वो बड़े हो जाएंगे। देखिए हम यहाँ पर क्या लिख चुके हैं, माय यूट्यूब है, तो कुछ यहाँ पर बड़ा है, कुछ छोटा है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो सारे के सारे लेटर यहाँ पर देखिए बड़ा हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल कैप है, पहला बड़ा रहेगा उसके बाद सब छोटा रहेगा। देखिए पहला बड़ा, उसके बाद सब छोटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे। ये क्या होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट होता है पावर। जैसे किसी टेक्स्ट के ऊपर में पावर लगाते हैं या नीचे में पावर लगाते हैं तो यहाँ से उसे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हो गया अंडरलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आ गया लास्ट वाला है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, टेक्स्ट को बीचों बीच से काट देता है, ठीक है। किसी वर्ड को हमें दिखाना है कि ये वर्ड गलत है, तो यहाँ पर उस वर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वर्ड पे इस तरीके से बीच में लाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अभी से हम करते हैं जो जो चेंज हुआ है इसे कंट्रोल सेट कर देते हैं। अब देखिए एक और तरीका हम बताते हैं टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए, उसकी साइज को। आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी करना है तो ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे पकड़ के आप शिफ्ट के साथ पकड़िएगा, शिफ्ट के साथ नहीं पकड़िएगा, देखिए किस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ पकड़ना है, शिफ्ट प्रेस करके और इसे पकड़ के छोटा करना है। देखिए इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप पकड़ के बड़ा कीजिएगा तो जितना बड़ा आपको करना चाहते हैं उतना बड़ा आप टेक्स्ट को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप बिना शिफ्ट पकड़े हुए कीजिएगा, शिफ्ट को छोड़ दीजिए, उसके बाद इस तरीके से आप खाली साइड का लंबाई को आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि ये हमारा जो विड्थ है इतना ही रहे और चौड़ाई ज़्यादा हो, यहाँ पर शिफ्ट को छोड़ देना और ऐसे ही नॉर्मली पकड़ के आप इस तरीके से इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। ये हो गया, ये चीज़ समझ गए। ये था हमारा पहला हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट। सब वर्टिकल क्या होता है, अभी ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है इसे हम पहले डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं वर्टिकल वाला है कि ये वर्टिकली टाइप होगा, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की ओर टाइप होगा, देखिए कुछ भी टाइप कीजिएगा तो ऊपर से नीचे की ओर टाइप करेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फॉन्ट की जो स्टाइल है इसे चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर एरियल ले लेते हैं, इसकी साइज़ जो है वो हम छोटा कर देते हैं, 30 कर देते हैं इसकी साइज़ को, या थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 48 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं माई यूट्यूब, तो इसकी गैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इसकी गैपिंग अगर ज़्यादा है तो इसकी गैपिंग को आप कम कर सकते हैं। इसकी गैपिंग को कैसे कम करेंगे, तो इसे क्या करेंगे, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर 200% है, ठीक है। ये जो हमारा है वर्टिकल, तो यहाँ पर करेंगे 100 करके ओके करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि वर्टिकल वाला क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर इसे हम टाइप करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कुछ भी यहाँ पर टाइप करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर ये टाइप होगा, ये सिंपल था। और जो हॉरिजॉन्टल वाला था वो क्या होगा, वो लेफ्ट से लेके राइट की ओर टाइप होगा, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल वाला है ना, हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट के हम वर्टिकल टाइप से भी हम टाइप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये सब टेक्स्ट को हम यहाँ से साइड कर देते हैं। अब यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब क्या करेंगे, एक एक टेक्स्ट लिखेंगे, एक टेक्स्ट लिखेंगे उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, दूसरा टेक्स्ट लिखेंगे इंटर, तीसरा टेक्स्ट लिखेंगे फिर इंटर, चौथा टेक्स्ट लिखेंगे इंटर, पांचवा टेक्स्ट इंटर। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वो वर्टिकल जैसा हम टाइप कर सकते हैं। तो आपको जो सुविधा अनुसार अच्छा लगे वो चीज़ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उस टेक्स्ट टूल को आप यूज कर सकते हैं। ये चीज़ समझ गए। अब आते हैं मास्किंग वाले, जिसका कि कुछ खास यूज होता नहीं, ठीक है। ऊपर में देखिए, ऊपर में जो है ना, यहाँ पर देखिए ये साइड वाला एक आपको बताना भूल गया। इससे क्या होता है, जो हमारा नीचे जो करेक्टर यहाँ पर ओपन है, यही चीज़ ओपन होता है यहाँ से। इस पर क्लिक करेंगे ऑफ हो गया, इस पर क्लिक करेंगे ऑन हो गया, देखिए। उसके बाद ये जो हमारा विंडो है करेक्टर वाला, इसके में पैराग्राफ का एक ऑप्शन है, ये पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ये सब सेटिंग कर सकते हैं कि आप देखिए इसमें क्या है। ये पहला है कि आप लाइन के बीच में जो गैपिंग है उसे आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है कि आपको फर्स्ट लाइन जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं उसके आगे में एक बड़ा लेटर लिखते हैं, वहाँ पर आप गैप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से गैप दे सकते हैं। तीसरा हो गया आपको ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ से पहले आपको स्पेस देना है तो आप यहाँ से स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा है, देखिए यहाँ पर है इंडेंट राइट मार्जिन, आप यहाँ से राइट साइड के जो मार्जिन है उसे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जितना आपको मार्जिन छोड़ना है, 5, 4, 3, 2, 1 जितना भी आपको छोड़ना है यहाँ से आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा है नीचे पैराग्राफ के बाद, कोई भी पैराग्राफ या लाइन है उसके बाद अगर गैपिंग आप छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप उतना जितना भी गैपिंग आप छोड़ना चाहते हैं, स्पेस छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर आप उतना टाइप कर देंगे। ये चीज़ हो गया। और ये तो मैं पहले बताया था कि यहाँ पर लेफ्ट लाइन है, लेफ्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे तो हम कुछ भी टाइप करेंगे तो लेफ्ट से टाइप होते हुए राइट की ओर जाएगा। अगर सेंटर लाइन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो टाइप करेंगे तो बीच से वो टाइप होगा, बीच से दोनों तरफ हो जाएगा। राइट लाइन है, ये क्या होगा, राइट से टाइप होते हुए जाएगा। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर इसे सबसे पहले हम कट करते हैं, यहाँ से यहाँ प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर देखिए सेंटर वाला को क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब टाइप करेंगे तो क्या होगा, देखिए बीच से वो टाइप हो रहा है और लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है, दोनों इक्वल, दोनों साइड इक्वल जा रहा है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहीं हम ये वाला राइट साइड वाला सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ से टाइप करेंगे तो राइट से लेफ्ट की ओर टाइप होगा, ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर टाइप होगा।
और ऐसे नॉर्मली हमें कौन सा रखना है, लेफ्ट नाइन सेलेक्ट करके रखना है ताकि हम लेफ्ट से राइट की ओर उसे टाइप कर सकें इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब मास्किंग वाले आपको समझा देता हूँ। मास्किंग वाले कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे। यहाँ पर जैसे हम अपना नाम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। ठीक है, टाइप कर लिए। अब यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। मूव टूल सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये सिर्फ सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये वर्ड टाइप नहीं हुआ, वो वर्ड का सिर्फ सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें आप कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप एक न्यू लेयर ले लीजिए। न्यू लेयर लेने के बाद इसमें आप जो भी कलर डालना चाहते हैं, ब्लैक डालना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से अल्ट बैक स्पेस कीजिएगा तो ब्लैक वो वाला कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। देखिए फिल हो गया। अब इसे हम करते हैं, ये सिलेक्शन जो है इसे हम डीसेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल और डी, इसे डीसेलेक्ट हो गया। अभी हमारा टेक्स्ट इस तरीके से है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसे मास्किंग होता है, इसमें कलर वगैरह फिल करके यूज कर सकते हैं। अभी से हम करते हैं डीसेलेक्ट, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। उसी प्रकार से आप इसका जो वर्टिकल टाइप मास्किंग है इसे भी इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको लिखना है इसमें लिख देंगे और यहाँ मूव टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसका सिर्फ सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसमें भी आप सिंपल से कलर फिल कर सकते हैं। बस ये हो गया, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट और ये यहाँ पर हो गया। बस इसका और कुछ काम नहीं। न्यू लेयर लेके आप अगर इसमें इसे फिल इसमें कलर फिल कीजिएगा तभी ये मूव होगा, नहीं तो मूव नहीं होगा, वो बैकग्राउंड पे क्या होगा, फिल हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल था टेक्स्ट। और जितने इस वीडियो में मैंने टेक्स्ट के बारे में ए टू जेड चीज बता दिया है, अब आपकी क्रिएटिविटी क्या है कि आप इस टेक्स्ट को किस तरीके से स्टाइलिश बना सकते हैं, एक अच्छे तरीके से बना सकते हैं। टेक्स्ट में आपको किस तरीके से ये ग्रेडियंट वगैरह फिल करना है, कलर वगैरह फिल करना है। आप ये मान लीजिए ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसमें आपको ग्रेडियंट फिल करना है, आपको सिंपल से टेक्स्ट के जो लेयर है इस पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले यहाँ पर पैटर्न है, पैटर्न में फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट ओवरले पर सबसे पहले हम क्लिक करते हैं, जो भी यहाँ से ग्रेडियंट आपको दिख रहा है वो ग्रेडियंट यहाँ से लेके ओके करते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट फिल हो गया। उसी प्रकार से आप पैटर्न को भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दूसरा टेक्स्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और इस पर हम पैटर्न पैटर्न ओवरले करेंगे। आपको जैसा पैटर्न चाहिए यहाँ से पैटर्न आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ओके कर लेंगे। देखिए वहाँ पैटर्न इसमें फिल हो गया। इस तरीके से आप ग्रेडियंट वगैरह पैटर्न वगैरह आप फिल कर सकते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर ऑप्शन थे या जो भी टिप्स एंड ट्रिक थे मैंने सारा का सारा आपको बता दिया। तो आशा है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।